हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इस्कॉन की गीता सच में रॉन्ग ट्रांसलेटेड है। और इसको देखने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ट्रांसलेशंस के बीच में और कॉमेंट्रीज के बीच में अंतर। ट्रांसलेशंस जो कि तो किए जाते हैं, जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे लिखना होता है। कॉमेंट्री में हम अपनी तरफ से विचार रखते हैं, तो कमेंट्रीज सब लोगों की अलग होती है और ट्रांसलेशंस लगभग एक जैसे ही होते हैं। वीडियो को बिना बायस हुए देखना, जो कि आप नहीं करोगे, मुझे बताएं। दिस इज़ नॉट अबाउट फिलॉसफी, फिलॉसफी यहाँ बीच में मत लेके आना। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशंस को ही देखने वाले हैं। आप खुद archive.org से इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो और सुन सकते हो। हम देखेंगे रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य के और इस्कॉन के ट्रांसलेशंस। अब ये मत कहना कि भैया गीता प्रेस गोरखपुर की है तो मायावादी है, क्योंकि लिटरली फर्स्ट पेज में मायावाद का इसमें खंडन किया गया है, तो ये सब तो मत ही कहना, ठीक है। तो पहला, अब यहाँ पर पहले हम योग के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखो योग की डेफिनेशन इस तरफ और ये है इस्कॉन के योग की। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, पहले ही बता दूं। योग में स्थित हुआ आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में भी सम होकर तू कर्म कर, इस समता का नाम योग है। तो यहाँ पर आप योग की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभावों से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर आपको ये समझना है कि योग होता क्या है। योग होता है जय अथवा पराजय की आसक्ति को त्याग कर संभाव से अपना कर्म करना, ये योग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लो। अब चलते हैं जो ट्रांसलेशंस है एक्चुअल उसमें। इसके बाद वाला है 2.49। यहाँ देखते हैं रामानुजाचार्य जी का और यहाँ है इस्कॉन का। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि धनंजय बुद्धि योग की, बुद्धि युक्त कर्मों की अपेक्षा अन्य कर्म अत्यंत तुच्छ हैं, अतः तू बुद्धि योग के ही आश्रय की इच्छा कर, फलाशक्ति पूर्वक कर्म करने वाले दीन हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको बुद्धि योग दिख रहा होगा, वही चीज इन्होंने यहाँ पर बुद्धि योग लिखी है। अब यहाँ पर आप देखना, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। अब ये बात मुझे आप बताओ, ये आप यहाँ कहीं दिखी आपको? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई इनसे बेवकूफ थे, ऐसा तो है ही नहीं ना। अब आप यहाँ पर देखो, योगात, इसका मीनिंग कृष्ण भावना मृत के बल पर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, ठीक है। बुद्धि योगात कृष्ण भावना मृत के बल पर, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ भक्ति शब्द कहीं आ ही नहीं रहा है। आप यहाँ पर देखो, कहीं भी भक्ति शब्द तो यहाँ पूरे श्लोक में कहीं भी है ही नहीं, तो ये कहाँ से ऐड हो गया यहाँ? और अगर भक्ति शब्द होता, हमें शायद ना दिख रहा हो, तो रामानुजाचार्य जी को तो दिखता। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने भी मिस कर दिया। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर हो सकता है आप सेंस लगाना है भक्ति का तो लगा लो, लेकिन वो बात होगी कॉमेंट्री पर, कमेंट्री पे वो बात करोगे, ना कि ट्रांसलेशन पर। ट्रांसलेशन सेम होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कमेंट्रीज डिफरेंट होती हैं डेफिनेटली। अगला देखते हैं 2.50, श्री रामानुजाचार्य का और ये इस्कॉन का, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ो, बुद्धि युक्त मनुष्य पाप और पुण्य दोनों का ही परित्याग कर देता है, अतः तू कर्म योग के लिए चेष्टा कर, कर्मों में यह योग ही कुशलता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। भक्ति कहाँ से आया? फिर से वही बात कहूंगा, अगर आपको भक्ति डालनी है तो आप डालते हैं कमेंट्री पे, ना कि ट्रांसलेशन पे। यहाँ पूरे के पूरे श्लोक में आपको कहीं भी भक्ति का शब्द मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ देखो, बुद्धि युक्त यहाँ लिखा है और यहाँ कर दिया भक्ति में लगे रहने वाला, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आपसे भी मैं पूछूं बुद्धि युक्त का मतलब क्या होता है, तो आप नहीं कहोगे ना भक्ति में लगे रहने वाला। योग का मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, क्या था योग का मतलब? जय अथवा पराजय में आसक्ति ना रखकर संभाव से कर्म करने वाला
योगी है और उसी को योग कहा जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने कर दिया कृष्ण भावनामृत। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन ये काम करोगे कमेंट्री में, ये काम ट्रांसलेशन पे नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्री रामानुजाचार्य का और ये इस्कॉन का। कर्म जनित फल का त्याग करके कर्म करने वाले बुद्धि योग से युक्त विवेकी पुरुष जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निरामय पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो अब इन्होंने क्या किया है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से भगवत भक्ति, अब यहाँ पर फिर से भक्ति उसेड़ दी, यहाँ फिर से बुद्धि युक्त का भक्ति में लगे रहना कर दिया, तो ये गलत है ना, साफ साफ गलत है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अरे उनका सेंस ऐसा होगा, वो सेंस आपको कमेंट्री में बताना होता है, ना कि ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखना होता है, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना होता, और करना भी है तो ऐसे ब्रैकेट में कर लो जैसे यहाँ के हैं, बाकी ऐसे नहीं करते हैं कि सीधा सीधा आपने गलत लिख दिया, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। ये श्री रामानुजाचार्य का और ये इस्कॉन का। इस प्रकार कर्म करते करते तेरी बुद्धि मोह रूप कीचड़ से पार हो जाएगी, तब तू पहले सुने हुए और भविष्य में सुने जाने वाले सब प्रकार के फलों से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनसक हो जाओगे। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप यहाँ आओ शब्द अर्थ में। शब्द अर्थ में यहाँ देखो बुद्धि, बुद्धि का क्या कर दिया, बुद्धिमय दिव्य सेवा। ये कहीं से कहीं तक इसका तालमेल नहीं बैठता। बुद्धि का मतलब सिर्फ बुद्धि होता है, बुद्धिमय दिव्य सेवा नहीं होता। ठीक है, ये तो फिर भी चलो कहूँ गलती है, नीचे तो कोई गलती इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करी है, ऊपर यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, अगला जैसे दिखाते जाऊँगा मैं आपको, आगे बढ़ते रहो, देखते रहेंगे। अभी तीसरे अध्याय में चलो, रामानुजाचार्य जी का और इस्कॉन का। अब यहाँ आप देखना, निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पहले मेरे द्वारा कही जा चुकी है, सांख्य योगियों सांख्यों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। ठीक है, योगी कर्म योग करता है और सांख्य योगी ज्ञान योग को प्राप्त करता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, सीधा सीधा गलत ट्रांसलेशन, सीधा, इसमें कोई इफ की बात तो है ही नहीं। कर्म योग का यहाँ भक्ति योग कैसे हो सकता है? ठीक है, कर्म योग का यहाँ भक्ति योग हो ही नहीं सकता, योगी नाम भक्तों का कैसे हो सकता है? आप यहाँ पर देखो, एक और आएगा इसमें, यहाँ देखो, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ लोग इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब देखो यहाँ पर कर्म योग कहा गया है, ना कि भक्तिमय सेवा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं, 3.9, श्री रामानुजाचार्य और इस्कॉन। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के सिवा अन्य कर्म करने पर यह मनुष्य कर्म बंधन से बंध जाता है, अतएव अर्जुन तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म का भलीभांति आचरण कर। ठीक है, अब यहाँ पर यज्ञ हमारा हवन वाली की बात नहीं कर रहे हैं, यह अलग यज्ञ है। अब यहाँ पर आप देखो इनके उष्माओ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया, यहाँ पर अर्थ में कहीं भी ऐसा नहीं किया है। ठीक है, श्लोक में आप देखो तो विष्णु नाम का कोई शब्द यहाँ पर है नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये बात आपको कमेंट्री में करनी होती है, ना कि ट्रांसलेशंस में। ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ये करना है तो आप कमेंट्री में करो, बिल्कुल ये बिल्कुल व्याख्या हो सकती है, लेकिन ये व्याख्या में ही लिखा जाएगा, ये तात्पर्य हो सकता है इसका, लेकिन ये तात्पर्य में लिखा जाएगा, ना कि ट्रांसलेशन में।
अगला देखते हैं 3.10। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, प्रजापति भगवान नारायण ने पहले प्रजा को रचकर कहा था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम फूलो भलो और यह यज्ञ तुम्हें इच्छित भोगों को देने वाला हो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने देखो ब्रैकेट में ऐड किया है, इसका मतलब ये सुविधा के लिए ऐड किया गया है। ठीक है, रियल में ये यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो इन्होंने प्रजापति, जो कि यहाँ पर रियल में आपको दिखेगा, ठीक है, रियल में यहाँ पर आपको दिखेगा, उसे नहीं ऐड किया और विष्णु को ऐड कर दिया। देखो ये ऐड करना गलत नहीं है, बार बार वही कह रहा हूँ, लेकिन ये ऐड कमेंट्री में किया जाता है, ट्रांसलेशन में इसे ऐड नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, हाँ आई थिंक इतना ही है अभी के लिए, तो इतना ही है, और अगर मैं इससे आगे गया तो और भी बड़े बड़े मिलते हैं, मतलब ऐसे मिलते हैं कि आप देख के कहोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा ट्रांसलेशन। तो अब आप खुद ही बता दो कि ये सही है या ये सही है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है, अब जो भी आपको करना है करते रहना, ये वीडियो फ्री टू अपलोड है, कोई भी इसे अपलोड कर सकता है अपने चैनल पर।